फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती ने बिहार तक को दिए अपने इंटरव्यू में सुशांत के परिवार पर भी कुछ आरोप लगाए हैं। रिया ने कहा कि सुशांत के उनके परिवार के साथ मधुर संबंध नहीं थे और रिया ने यह भी दावा किया है कि सुशांत की बात पिछले कई सालों से उनके पिता से ठीक से नहीं हुई थी, जिसके बाद ऐसे तमाम आरोपों के जवाब सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्विटर के माध्यम से दिए। श्वेता ने ट्विटर पर एक के बाद एक ट्वीट कर अपनी बात रखी। बिहार तक पर रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू देने के बाद श्वेता ने जो पहला ट्वीट किया वो ये था, काश भाई इस लड़की से कभी नहीं मिला होता, किसी की मर्जी के बिना उसे ड्रग देना और फिर उसे समझाना कि तुम ठीक नहीं हो, मनोचिकित्सक के पास ले जाना किस स्तर की धोखेबाजी है, आपकी आत्मा को कैसे पाप मुक्त करोगे, तुमने बहुत कुछ कर दिया। श्वेता ने रिया के बिहार तक पर आकर सुशांत की इमेज को खराब करने का भी आरोप लगाया। श्वेता ने लिखा, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि नेशनल मीडिया में आकर मेरे पवित्र भाई की मौत के बाद उसकी छवि पर पट्टा लगाओ, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने जो किया वो भगवान ने नहीं देखा, मैं भगवान में यकीन करती हूँ और मुझे विश्वास है, अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि वो तुम्हारे साथ क्या करता है। वहीं रिया ने अपने इंटरव्यू में इस बात पर भी जोर दिया कि सुशांत के उनके परिवार के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। जैसा कि रिया ने अपने इंटरव्यू में जिक्र किया, हम अपने भाई को प्यार नहीं करते थे, सही बात है, इसीलिए तो जनवरी में जैसे ही मुझे पता चला कि भाई चंडीगढ़ आ गया है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अमेरिका से भारत फ्लाइट लेकर आई, मुझे अपना बिजनेस छोड़ना पड़ा और बच्चों को अकेला छोड़कर आई। श्वेता ने इस ट्वीट में अपनी हवाई यात्रा की टिकट भी नत्थी की। श्वेता ने आगे लिखा कि सबसे खराब बात यह रही कि मैं उससे फिर भी नहीं मिल सकी, क्योंकि मैं जब तक वहां पहुंची भाई चंडीगढ़ से निकल चुका था, क्योंकि रिया लगातार फोन कर रही थी और कुछ काम भी था, परिवार हमेशा उसके साथ एक चट्टान बनकर खड़ा रहा है। श्वेता ने बताया कि जनवरी में ही भाई ने रानी दी को SOS कॉल किया था, उसे ड्रग दिया गया था और अकेले में बंद कर दिया गया था। चंडीगढ़ पहुंचते ही रिया ने 2-3 दिनों के भीतर 25 कॉल की थी, क्यों उसे वापस बुलाने की ऐसी क्या जल्दबाजी थी। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत का शव उनके फ्लैट पर पंखे से लटका मिला। मुंबई पुलिस ने इसे सुसाइड मानकर तफ्तीश शुरू की थी, जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई। हालांकि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था। वहीं काफी आरोप प्रत्यारोपण के बाद सुशांत केस को CBI को सौंपा गया। अब देखना होगा कि सुशांत केस में CBI सुशांत के कातिल को कब पकड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।